कि गवर्नर के स्पीच में कोई नयापन नहीं है और इस नयापन को हम अगर इसे देखा जाए गवर्नर के स्पीच में हमें कहीं दिखाई नहीं देता। खासकर ये रोजगारी के विषय पर, बेरोजगारी के विषय पर सरकार पिछले कई सालों से कह रही है कि 1,35,000 जो है नौकरियां हैं, लेकिन कितने नौकरियां इन्होंने दिए हैं नौजवानों को इसके बारे में कहीं जिक्र नहीं है और कितने नौकरी देने वाले हैं सरकारी नौकरी। दूसरी बात रही बेरोजगारियों को 3,000 रुपये का जो स्टाइपेंड देने की बात की थी पिछले साल, इस साल उसके बारे में कोई भी जिक्र नहीं है। इनका सिर्फ जो है कहना है, जो इलेक्शन में इन्होंने बताया है इसी मैनिफेस्टो को यहाँ पर दोहराया गया है और इसमें कोई नयापन नहीं है। साथ साथ मैं यही कहता हूँ कि गवर्नर जी के स्पीच में सरकार ने गवर्नर जी से पूरे झूठ बुलवाए हैं यहाँ पर और जनता को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। ये जो गवर्नर की जो स्पीच है ये जो है जनता को निराश करने वाली भाषण है, ऐसा मैं मानता हूँ। जिस तरीके से है अभी 2 बेडरूम्स के जो है अब तक 2014 से सुन लेते आ रहे हैं और अब तक के जो है किसी को भी जो है बराबर तरीके से नहीं मिल सका। कहना ये है कि गवर्नमेंट वाले और जो है मंडल ऑफिसर्स इसको खा ले रहे हैं और गरीबों को इसका हक नहीं मिल रहा, इसके बारे में क्या कहना है आपका? डबल बेडरूम के बारे में तो बार बार यही पूछ रहे हैं। 2,70,000 सैंक्शन किए वो 4 साल से ये बात कर रहे हैं। सैंक्शन कितने लोगों को दिए, आप कितने घर बनाए, कितने कम्प्लीट हुए, इसके बारे में कहीं आंकड़े नहीं है। हम इसके बारे में जरूर प्रश्न करेंगे, इन आंकड़े क्यों आप ऐसा कर रहे हैं, बार बार लोगों को गलत गुमराह क्यों कर रहे हैं, उनको गलत जो है सपना क्यों दिखा रहे हैं। वो सपना देखेंगे कि हमको घर आएगा, 5 साल से सपना देख रहे हैं, उनको आज भी एक भी घर नहीं मिला, घर क्या, घर के दीवारों को भी उन्होंने देखा नहीं है। ये सब जो है मैं यही मानता हूँ कि ये जो सरकार की तरफ से जो गवर्नर जी ने जो भाषण पढ़ा था ये सारे गलत हैं और झूठ का एक गुंडा है और जो सरकार है हर फ्रंट में फेल हो चुकी है, इसीलिए इस नए पन का कहीं भी हमें झलक नहीं दिखाई देती है गवर्नर के भाषण में। बहुत बहुत शुक्रिया।